जो आपने आपके बंदे ने आपके बंदे ने जो यहाँ पे फोन किया मेरी नौकरी पे इशू आ गया वो चीज लेटर नहीं है नहीं ये एड्रेस है ना नहीं लेटर है क्या नहीं आपका ऑफिस विजिट का पहले बताइए ये सिस्टम पे रजिस्टर्ड है एड्रेस आपका ये रजिस्टर्ड एड्रेस है सर लेटर लेटर दिए आपने सिस्टम हम लोग को ये एड्रेस अपडेट करा है सिस्टम पे आप जब आते हो तो ऑफिस विजिट लेटर लेता है सर जो एड्रेस हम लोग के सिस्टम पे रजिस्टर्ड रहता है ना वो उधर आते हैं हम लोग विजिट नहीं आरबीआई के रूल के हिसाब से आप आते हैं तो आप ये ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में आपने इधर का एड्रेस रजिस्टर्ड करा है तो हम लोग इधर ही आएंगे तो लेटर नहीं लेके आएंगे कौन सा लेटर जो ऑफिस विजिट लेटर का रहता है सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को प्रोवाइड किया उस बेसिस पे हम लोग आएंगे आपको भी पता है ना लोन लिया है सर आपने लोन मैंने लिया है बात पता है टाइम पे आरबीआई के रूल के हिसाब से तो ये भी पता है कि टाइम पे बढ़िया अगर इशू आपको आपने बैंक को इंटीमेट किया था कि मेरे को कोई इशू फाइनेंशियल इशू है कितना टाइम हुआ कौन सी लोन नहीं मेरा कितना टाइम हो गया लोन भर के आपको पता है ये महीने का नहीं भरा बस सिर्फ ये महीने का नहीं भरा है ना और आपने 9:15 यहाँ पे फोन किया है सर कॉल किसने किया वो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट करेगा हम लोग जो विजिट पे आए थे आपने बोला गलती ये चीज पे अगर आप मेरे को देखिए इशू है तो आप बताइए सुनिए मेरी बात इशू है हम आपको वैसे रेक्टिफाई करेंगे मेरी बात सुनिए आपने 9:15 यहाँ पे फोन किया है वो देखेंगे ये हमारे सर को इन्होंने फोन किया है और सर ने मेरे को ऑलरेडी नोटिस दिया कि मेरा पैसा चुका और यहाँ से तू चले जा काम छोड़ के अब मेरे काम पे आ गई बात तो देखेंगे ना सर बात करते ना अगर ऐसा है तो हम लोग क्लैरिटी देते आपके सर को कोई प्रॉब्लम नहीं हमें सर क्लैरिटी देने को क्लियर अगर उन्होंने सामने उनको आप सर 2 तारीख का पे ही है मैं हाँ आप अगर आपको आरबीआई का गाइड रूल ऐसा है कि अगर एक आदमी ने फर्स्ट महीने प्रॉब्लम आया फर्स्ट महीने आदमी ने पेमेंट नहीं किया तो आप उससे मिलने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे अभी ऑफिस विजिट लेटर का लेके ऑफिस विजिट लेटर नहीं जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ना सर वो लेटर उस पे आए हम लोग ठीक है सेकेंडली अगर आपको प्रॉब्लम है ठीक है आपने लोन लिया आपको प्रॉब्लम है तो आप बैंक को इंटीमेट कीजिए करके मेरे को ये प्रॉब्लम मैंने बताया था किसको बताया था सर फोन पे कितने लोग रहते हैं आपके फोन पे सर फोन पे मतलब आप बताइए रिकॉर्डिंग दे दीजिए आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना सर ये तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ही ना भाई नहीं जो आपने जो आपने आपके बंदे ने फोन पे आपके बंदे ने जो यहाँ पे फोन किया मेरी नौकरी पे इशू आ गया वो चीज का रिकॉर्डिंग अगर रहेगा तो हम लोग 9:45 मैं बोल रहा हूँ कि 9:45 फोन किया है कौन से डेट को क्या आपने बैंक को कब दो दिन पहले मैं कल बोल दिया उनको कल बोला ना परसों के दिन कब था आपका सर परसों सुनिए मेरी बात 2 तारीख को था हाँ। आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए हाँ। कुछ भी मैंने उनको बोला भी है कितने लोग ने फोन किया मेरे को कभी बोला मैंने उनको बोला भी हाँ कराऊंगा पेमेंट कौन से डेट को बोला किसको बोला आपने मैंने हजारों लोगों को बोला है हर दिन रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास में हर दिन रहते ये तो करूंगा ही ना मैं वही बोल रहा समझे क्या ये तो मैं करूंगा ही करो सर अच्छी बात है ना नहीं मैं आपको स्टॉप भी नहीं कर रहा एक बार भी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं ये तो मैं करूंगा आप कहने का मतलब है करके आप अगर बोल रहे हो करके मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बैंक का भी